जी हाँ दोस्तों, जो स्क्रीन देख के आप इस अंदर आए हैं, इस वीडियो को चेक किया है, वो बात सही है कि पहला ऐसा फ़ोन जो कि 10 GB रैम के साथ में आएगा। मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो की तरफ से फाइंड एक्स के बारे में। आपको ज्ञात होगा कि फाइंड एक्स जो है भारतीय बाज़ारों में 8 GB रैम और 256 GB की इनबिल्ट मेमोरी के साथ में ऑलरेडी लॉन्च है, जिसकी की कीमत रखी गई करीब 56 या 60 हज़ार रुपये के बीच में रखी गई है। 56,000 to 60,000 तक मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। और इसका कैमरा जो है हाइड रहता है, पीछे स्लाइड होके निकलता है, फ़ोन कुछ इस तरह से दिखता है आपको स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, लेकिन इसी के अंदर अब 10 GB की रैम के साथ में आने वाला है। ये खबर कोई ऐसी फेंकी हुई नहीं है, आपको बता दूँ। यहाँ पे एक आइस यूनिवर्स करके एक ट्विटर हैंडल है, या यूनिवर्स आइस करके है। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको एक लीक इमेजेस यहाँ पे प्राप्त हुई है, जो कि चाइनीज़ वेबसाइट टीना पे भी सर्टिफाइड हुई है। फिलहाल यहाँ पे टीना की वेबसाइट पे मैंने बहुत सर्च किया तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि बहुत सारी पूरी ये लैंग्वेज चाइनीज़ में है और ट्रांसलेट नहीं हो रही है। लेकिन मुझे एक ट्विटर हैंडल मिला है, यूनिवर्स आइस, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ओप्पो फाइंड एक्स एड्स ए 10 GB रैम वर्जन विच विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट 10 GB रैम स्मार्टफोन। तो 10 GB वाला पहला स्मार्टफोन आएगा, जो यहाँ पे सर्टिफिकेशंस वेबसाइट पे पाई जा रही हैं लीकेज में। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कमेंट भी किया है, जो कि बहुत सारे कॉमेडी कमेंट्स है कि आईफोन में 20 वगैरह में आ सकता है। तो शायद वॉट एवर जो भी उन्होंने कमेंट किया है, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं सच है। तो इंतज़ार करिए, भारतीय बाज़ारों में भी इसके आने की संभावना है। और ये वो फास्ट चार्ज या सुपर फास्ट चार्ज सपोर्ट करेगा, और इसकी मेमोरी जो है 256 GB तक से बढ़ा के अब 512 GB तक होगी। और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी होगी वो फिलहाल कम देखने मिल रही है भारतीय बाज़ारों में, लेकिन फिर भी 3730 mAh की हो सकती है। और इसके अंदर जो है रैम वर्जन 10 GB का होगा, ये हायर वाला होगा। तो इस तरह से ये एड्रीनो 630 और स्नैपड्रैगन 845 के ऊपर काम करने वाला चीज़ है। फुल एचडी की डिस्प्ले है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, 16 और 20 MP का बैक कैमरा है, और फ्रंट का जो कैमरा रहेगा वो 25 MP का रहेगा। तो इस तरह से इसकी लिस्टिंग हुई है। फिलहाल ये भारतीय बाज़ारों में जब आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन फॉरेन में इसकी कीमत काफ़ी कम रखी गई है, जो कि स्टार्टिंग रखी गई है करीब 4900 यॉन की, यानी तकरीबन 50,000 रुपये। लेकिन भारतीय बाज़ारों में जब ये आएगा तब इसकी देखने वाली राय रहेगी कि कितने प्राइस में मिलता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी है। फिलहाल जो भी अभी ऑफिशियली नहीं है, सब अनऑफिशियली न्यूज़ है, लेकिन हमें यहाँ तक पता चल जाता है कि ये 10 GB रैम वाला वर्जन आएगा। तो मेरे तो लैपटॉप में भी नहीं है इतना भारी वर्जन, मेरे लैपटॉप और इसमें मोबाइल में भी मैक्सिमम 4 और 4 का ही है। चलिए देखते हैं कब ये भारतीय बाज़ारों में आता है। होप सो दिवाली तक आने की उम्मीद है। भेजी टेक्निकल देखने, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।